बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को या फिर उनके बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एनसीपी के सांसद फौजिया खान जी। मैम, क्या ये भी चर्चा चल रही है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी पत्नी या उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? मुझे तो अजीब बात लगती है कि चंद्रकांत पाटिल जी ने अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। महाविकास आघाड़ी क्या करेगी इस पर उनको सोचने की क्या आवश्यकता है? वो अपने आप तय करेगी क्या कब करना है। मुझे लगता है उन्होंने अपनी बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए और अपनी बात करनी चाहिए। लेकिन मैम, ये कयास जो है कि क्यों, जो है क्या वाकई में उद्धव जी की तबीयत नहीं ठीक है कि वो जो है जिम्मेदारी आगे नहीं संभाल सकते, क्या कुछ ऐसी चर्चाएं हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये विशफुल थिंकिंग इसको कहते हैं। विशफुल थिंकिंग अगर है सामने वालों के पास, तो अगर उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं किसी तरह, तो बस कोशिश है कि कहीं से कुछ तरह किसी तरह से उनके सपने पूरे। तो आपको क्यों लगता है क्यों इस तरीके का बयान फिर दिया गया? मुझे तो नहीं पता ये बयान उन्होंने क्यों दिया, उनको ही पता है। नहीं पता ये बयान क्यों दिया है और विशफुल थिंकिंग जो है करार दे रही है फौजिया खान जी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।